जैसे कि आप स्क्रीन पर देख ही रहे हैं, इस वीडियो में BTSC-ANM 10709 पोस्ट के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं, क्योंकि 1 मार्च को ही पटना हाई कोर्ट फाइनल जजमेंट जारी कर दिया है और बता दिया है कि 2018 की नियमावली पर अब BTSC-ANM 10709 पदों की वैकेंसी क्लियर होगी। और आपको ही पता है 1 तारीख को आपको जो है पटना हाईकोर्ट क्लियर किया था, उस दिन शुक्रवार था, और 2 तारीख के शनिवार, कल आपको रविवार और आज मंडे सोमवार है। तो BTSC अभी तक कोई नोटिस जारी नहीं किया, सभी स्टूडेंट BTSC की नोटिस का इंतजार कर रहा है। साथ ही साथ जब 2018 के नियमावली पर वैकेंसी क्लियर होगा तो सभी स्टूडेंट के मन में एक ही सवाल है, सर कैटेगरी वाइज कट ऑफ बता दीजिए, कट ऑफ क्या रहने वाला है ताकि हम लोग को सिलेक्शन हो जाए। तो चलिए इस वीडियो में सारी जानकारी वन बाय वन करके डिटेल्स बताने वाले हैं, जो BTSC आयोग नोटिस कब जारी करेगा, कब से काउंसलिंग स्टार्ट करवाएगा और कैटेगरी वाइज आपका कट ऑफ कितना रहने वाला है। इस वीडियो में सारी जानकारी डिटेल्स में बताने वाले हैं, इसलिए यह वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है जो BTSC-ANM 10709 पोस्ट का फॉर्म भरे और चाहते हैं या वैकेंसी काउंसलिंग के आधार पर क्लियर हो। तो बिना स्किप के वीडियो को पूरा देखिएगा। इससे पहले हमारे चैनल पर अपने चैनल को सब्सक्राइब कर और नोटिफिकेशन ऑन करिएगा डेली बेसिस ऐसे ही वीडियो पाने के लिए। तो दोस्तों वीडियो में बने रहिए, चलिए बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और सारी जानकारी वन बाय वन करके इस वीडियो में बताते हैं। दोस्तों आपको ये पता है जो ये वैकेंसी 2022 में जारी हुई थी, 2022 में 2018 के नियमावली पर यह वैकेंसी निकला था और उस समय टोटल 49,987 स्टूडेंट समथिंग 49,987 समथिंग स्टूडेंट फॉर्म फिलअप किया था, ठीक है। उसके बाद स्क्रूटनी करके 32,000 स्टूडेंट का, ध्यान सुन लीजिए, 32,000 स्टूडेंट का जो स्क्रूटनी में नाम आया था और 32,000 स्टूडेंट को काउंसलिंग होता और ज्ञान भवन पटना भी बुक हो गया। उसके बाद महागठबंधन की उस समय सरकार थी, 2023 की बात करते हैं, और 2023 की नियमावली लगा के इसमें एग्जाम बोला अब यह वैकेंसी एग्जाम के आधार पर क्लियर होगा, ठीक है। तो एग्जाम भी ले लिया गया, एग्जाम जो है 5 जनवरी को, 11 जनवरी को और 12 जनवरी की तीन तीन शिफ्ट में एग्जाम हुआ। उसके बाद रिजल्ट भी आया, रिजल्ट कैसे आया आपको भी पता होना चाहिए, 12 से 14 घंटा पहले रिजल्ट वायरल हो गया सोशल मीडिया पर और विभाग को पता भी नहीं, 14-15 घंटा बाद जो है विभाग सामने अपडेट करता है यही आपका स्कोर कार्ड है, वह हो गया। तो दूसरी बात है जो 2018 की नियमावली पर यह वैकेंसी निकल के आई थी, तो 2018 की नियमावली पर ही वैकेंसी क्लियर होना चाहिए, तो उस पर क्लियर नहीं हुआ, जबरदस्ती जो है उसमें 2023 की नियमावली लागू किया गया। तो हम लोग पटना हाईकोर्ट गए, पटना हाईकोर्ट से हम लोग जो है केस को जीते हैं और 1 मार्च को पटना हाईकोर्ट फाइनल जजमेंट दिया है जो अब नहीं, बीच में आप चेंज कर सकते हैं नियमावली में, इसलिए 2018 की नियमावली पर ही वैकेंसी क्लियर होगा। तो अब हम आपको बताते हैं 2018 की नियमावली पर क्लियर होगा इसमें सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, इसके बारे में हम आपको कट ऑफ बता रहे हैं जो है कैटेगरी वाइज कट ऑफ कितना रहने वाला है, ध्यान से सुन लीजिए। तो दोस्तों आपको पहले हम आपको बता दिए हैं कि 2022 में टोटल 49,987 स्टूडेंट फॉर्म फिलअप किया था जिसमें स्क्रूटनी करके 32,000 स्टूडेंट का नाम आया था और 32,000 स्टूडेंट को काउंसलिंग होगा। अभी बहुत स्टूडेंट को काउंसलिंग हो चुका है, बहुत सारा स्टूडेंट को काउंसलिंग हो चुका है। तो BTSC आपको काउंसलिंग लिस्ट जारी करेगा, तो जिसका काउंसलिंग हो चुका है उसका आप लिस्ट काट के उसके बाद जिसका काउंसलिंग नहीं हुआ उसी का लिस्ट आपको जारी करेगा, उसी को काउंसलिंग करवाएगा। काउंसलिंग करवाने के बाद मेधा सूची बनेगी और मेधा सूची के बाद आपको जो है ज्वाइनिंग होगी, क्योंकि पटना हाईकोर्ट 2 महीना के अंदर बोला है वैकेंसी क्लियर करने के लिए, लेटेस्ट आपको 3 महीना, ठीक है, जो क्लियर करने के लिए वैकेंसी, उसके बाद आपको न्यू वैकेंसी देखने को मिलेगी। अब इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, तो दोस्तों जो आप संविदा पर कार्य किए, ध्यान सुन लीजिए, जो संविदा पर कार्य किए और जो आपका हायर एजुकेशन आपको जो है क्वालिफिकेशन है दोनों का नंबर ऐड करने के बाद, ध्यान सुन लीजिए, दोनों का नंबर ऐड करने के बाद 0.6 से उसको मल्टीप्लाई कीजिए और जो नंबर आता है उसके बाद आपको सिलेक्शन हो। उसमें भी जो है इससे पहले जो है विभाग नोटिस जारी किया था उसमें बता दिया था जो सभी जो है आपको जो एक्सपीरियंस वाला नंबर आपको जुटेगा और जो आपको हायर क्वालिफिकेशन है उसका नंबर जुटने के बाद 0.6 से आप मल्टीप्लाई करते हैं तो जो नंबर आता है और जो हम कट ऑफ रखेंगे तो उस कट ऑफ के अंदर अगर आप आते हैं तो आपका जॉब होगा। इसमें थोड़ा डिफिकल्ट किसको है हम आपको बताते हैं, जो फ्रेशर कैंडिडेट है उसको थोड़ा दिक्कत होने वाली है क्योंकि उसको नंबर थोड़ा कम होगा और जो संविदा पर कार्य कर रहे हैं उनका नंबर ज़्यादा होगा और जिसके पास हायर क्वालिफिकेशन है उसका भी नंबर ज़्यादा मिलेगा। तो
तो इसमें 0.6 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो है मेधा सूची आपको तैयार किया जाएगा। और जो कटअप जो रहेगा, तो सभी कुछ करने के बाद, तो उस समय बताया गया था जिस समय एग्जाम 2023 की नियमावली लगाया गया था, तो उसमें बताया गया था जो आपको हर चीज करने के बाद 60 नंबर आता है तो आपका मेधा सूची में नाम आ जाएगा और आपका सिलेक्शन 100% होगा। मतलब कितना, 60 नंबर, मतलब एग्जाम को मिला के जो एग्जाम में आया उसके बाद जो आपका एक्सपीरियंस का नंबर है, उसके जो हायर आपको जो है क्वालिफिकेशन का नंबर है, तीनों ऐड करने के बाद अगर आपको 60 आती है तो आपका फाइनल मेधा सूची में नाम आएगा। तो अब तो ऐसा नहीं है क्योंकि अब तो एग्जाम वाला खत्म हो गया, तो अब जो भी है तो आपका जो हायर क्वालिफिकेशन है 100 और आपका जो है एक्सपीरियंस वाला जो काम किए वही दोनों नंबर जुटेगा, तभी तो मेरा सूची बनेगा। तो 60 नंबर तब तो लाने की आवश्यकता नहीं है, तो कटअप तो कम जाएगा, कटअप तो कम जाने वाला है, इसीलिए कटअप बहुत कम जाएगा। और यह क्लियर आज, यह क्लियर आपको जो है कटअप क्या रहेगा नहीं रहेगा हर चीज, यह क्लियर आज आपको BTSC आयोग कर देगा, क्योंकि आज BTSC आयोग आपको नोटिस जारी कर देगा। दूसरी बात है एग्जाम वाला अब क्या करेगा, ठीक है, वह गाइडलाइन भी जो आपको BTSC के द्वारा नोटिस आज जारी कर दिया जाएगा। आज आपको शाम तक वेट कर लीजिए, आज BTSC आपको क्लियर कर देगा, क्योंकि 1 मार्च को पटना हाईकोर्ट फाइनल जजमेंट दिया है, 2 मार्च को शनिवार था और 3 मार्च को कल रविवार है, और आज 4 मार्च को मंडे है, क्योंकि आपको भी पता है शनिवार और रविवार पटना में BTSC आयोग का ऑफिस बंद रहता है, तो इसीलिए आपको नोटिस देखने को नहीं मिला। और शनिवार को ही सुजीत सर हार्ड कॉपी भी BTSC आयोग को ऑफिस में जमा कर दी है, और 1 मार्च को ही फैक्स और मेल चला गया था BTSC आयोग, इसीलिए ऐसा नहीं है BTSC आयोग के पास नहीं गया है, हर चीज BTSC आयोग ही देखता है हर चीज, ठीक है। दूसरी बात है, अब रहा इधर जो स्टूडेंट जा रहे हैं केस करने के लिए BTSC ऑफिस जा रहे हैं मिलने के लिए, हर चीज जो पास आउट स्टूडेंट है, तो देखिए जाने के लिए कोई दिक्कत नहीं, आप लोग जाइए, हर चीज जाइए, आपका भी मांग है, आप लोग भी अपना मांग सकते हैं, कहीं से कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, क्योंकि ऐसे तो अब कुछ होने वाला भी नहीं है, कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि 2018 की नियमावली पर ही वैकेंसी क्लियर होगा और इसको कोई रोक नहीं सकता, ठीक है। और आपको जो लगता है, आपको लगता है केस करना है, आपको लगता है सुप्रीम कोर्ट जाना है, आप जा सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं, आपको जहाँ जाना है आप जा सकते हैं, बट इसमें कुछ होगा भी नहीं, क्योंकि हर हाल में यह 2018 की नियमावली पर अब क्लियर होगा और इसको कोई नहीं रोक सकता, ठीक है, क्योंकि जब आपको केस करना है, हर चीज करना है, एक बार फाइनल जजमेंट को अच्छा से एक बार रीड कर लीजिए, उसके बाद आप जाइए, ठीक है, इसीलिए किसी का कुछ नहीं चलेगा। अब अपना जो है समय व्यर्थ कर रहे हैं तो समय आप व्यर्थ कीजिए, कहीं से कोई दिक्कत नहीं, बट इसमें होने वाला भी कुछ नहीं है, क्योंकि 2018 की नियमावली पर वैकेंसी आपको क्लियर होगा, जो सुप्रीम कोर्ट के फाइनल जजमेंट है उसके अकॉर्डिंग ही पटना हाईकोर्ट जो है जजमेंट दिया, इसीलिए इसमें कहीं से किसी का कुछ नहीं चलने वाला, ठीक है। तो सारी जानकारी हम आपको बता दिए और 12 बजे लाइव आएंगे तो उसमें डिटेल्स में हम आपको डिस्कस करने वाले हैं, जो कटअप कितना रहेगा नहीं रहेगा अभी हम आपको बता दिए। आज BTSC आयोग के द्वारा आपको फाइनल नोटिस जारी कर दिया जाएगा शाम तक, इसलिए आप लोग को हैरान और परेशान नहीं होना, बार बार सभी वीडियो में एक ही डायलॉग रहता है, हैरान और परेशान नहीं होना, इसलिए चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर और नोटिफिकेशन पर शेयर कीजिए, और वीडियो को ज्यादा ज्यादा अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, ताकि अच्छा से अच्छा स्टूडेंट अपने से जुड़ पाएंगे और डिमोटिव जो कर रहे हैं उनसे दूर हो जाए। और फिर आते हैं हम लोग 12 बजे तो डिटेल्स में डिस्कस करने वाले हैं और टेस्ट भी लेने वाले हैं। थैंक यू।